हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश, विविध चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज लाया हूँ मैं विशेष अवसर पर आपको राजकीय पौधशाला बांदा पर। देखिए, उसका प्रवेश द्वार पीछे है और आप, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी जगह ये है जिसको देखकर आप प्रफुल्लित होंगे। हम आए हैं आज यहाँ पर विशेष अवसर पर। आज का दिन है इच्छा नवमी का, इसी अवसर पर हम आए हैं। देखिए, लोग पिकनिक मनाते हुए, पूजा करते हुए आंवले के पेड़ के नीचे, और वहीं पर बैठकर प्रसाद के रूप में भोजन भी करते हुए, आज के शब्दों में हम कह सकते हैं इसको पिकनिक मनाते हुए। यहाँ आने पर देखिए बहुत ही अलग ही वातावरण नजर आता है, थोड़ा धार्मिक भी और थोड़ा खूबसूरती प्रकृति की भी। देखिए क्या वृक्ष लगा रखे हैं। देखते ही बनता, लोग आ रहे हैं अपने अपने सामान के साथ और जगह ढूंढते हुए कहीं पर मिले आंवले का वृक्ष तो उसके नीचे बैठकर पूजा करें, अपनी मान्यताओं के लिए प्रार्थना करें, अपने उद्देश्य पूरे करें। देखिए सौर ऊर्जा का संयंत्र भी लगा हुआ, और ये देखिए वृक्ष अकेला ऊंचा खड़ा हुआ आसमान पे नजर आता। और यहाँ पर ये देखिए लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और माहौल का पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की सी सर्दी है, और ये देखिए विभिन्न प्रकार के वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष है जिसमें खूब आंवले लगते हैं, और लोग चाहते हैं कि आंवले जिसमें ज्यादा लगे हों उसके नीचे बैठकर पूजा की जाए, अपनी इच्छा व्यक्त की जाए और प्रभु उनकी इच्छाओं को पूरी करें। ये भी देखिए आंवले का वृक्ष है, साथ ही एक आम का वृक्ष भी नजर आ रहा है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के आपको पौधे भी नजर आएंगे जो कि आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। ये देखिए आंवले से लदा हुआ ये आंवले का वृक्ष है, और यहाँ नीचे महिलाएं पूजा करती हुई आपको नजर आ रही हैं। और इसी तरह पूरी नर्सरी के अंदर आपको लोग नजर आएंगे अलग अलग जगहों पे परिवार के साथ समूहों में पूजा करते हुए, और उसके साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए। ये देखिए पूजा यहाँ भी हो रही है, और अपने अपनी इच्छाओं के अनुरूप पूजा करते हुए भगवान की, और उनसे प्रार्थना करते हुए कि उनको जो भी चाहिए वो उनको प्रदान करें। इसी प्रकार से सब लोग आनंद उठाते हुए बच्चों की बात ही मत कीजिए, लोग घूमते हुए विचरण करते हुए। ये देखिए यहाँ पर काफी क्यारियां लगी हुई हैं, कई प्रकार के वृक्ष हैं, लोग अंदर घुस कर भी अपनी अपनी जगह ढूंढ कर वहां पर पिकनिक मनाते हुए। और ये देखिए पौधे छोटे छोटे लगे हुए कई क्यारियों में बटे हुए, जिनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, बाकायदे इनको उगाया जाता है, और इनको आपके लिए रखा भी जाता है कि अगर आप अपने घर में ले जाके लगाना चाहें, अपने बगीचे में भी लगाना चाहें, तो ये राजकीय पौधशाला से आपको प्राप्त हो सकता है। ये देखिए अमरूद का पेड़ है, जिसमें बहुत ही नीचे जमीन में लगा हुआ ये अमरूद है, जमीन से मात्र 1-1.5 फीट ऊपर, तो ये भी एक विशेषता है। ये देखिए क्यारी लगी है नींबू की, इसकी सिंचाई हो रही है, और कई क्यारियां और भी लगी हुई, कई प्रकार के इसमें पौधे लगे हुए, उनको भी संरक्षित किया जा रहा है। और ये देखिए बच्चे, ओ हो हो, इनकी तो बात ही अलग है, जीवन के सुनहरे पल। इसी के साथ राजकीय पौधशाला के निरीक्षकों से हमारी बात हुई, उसके हैं कुछ अंश। और हम दोनों लोग इंस्पेक्टर हैं उद्यान विभाग में, पहले मैं भी यहाँ का इंचार्ज रहा हूँ, हमारा सभी प्रकार के, हाँ जो हमारे पास अट्रैक्ट है फलदार फूलदार या सब्जी वब्जी वाले वो सब, हाँ वो जो हमारा अट्रैक्ट है वो हम लोग यहाँ पे हैं, और यही 8 रुपए से 50-27 रुपए तक के पौधे हैं हमारे, 8-40। तो ये समी का पौधा कब तक मिल जाएगा? समी का पौधा 10-15 दिन में मिल जाएगा। जी।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करें।